हाँ जी वसन जी पर देखे भाई अभी बंसल जी ओ बंसल जी आजा सुपर मटर। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से इस वक्त हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जो आप तस्वीरों में इस वक्त टमाटर देख रहे हैं, यह हाथों हाथ ही सोलन सब्जी मंडी में आज बिक गया। करीब 200 के करीब क्रेट जैसे ही यह टमाटर मंडी में आज पहुंचा वैसे ही बिक गया। अहमदाबाद से टमाटर की आपूर्ति मंडी में हुई थी और 600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से यह टमाटर आज मंडी में बिका है। टमाटर अच्छी क्वालिटी का है और बढ़िया बीज है और यही वजह है कि इस टमाटर की डिमांड आज बहुत अधिक देखने को मिली। और अब मंडी में यदि हम बात करें तो अभी यही क्रेट कुछ शेष बची हुई है। इसके अलावा टमाटर ऐसा नहीं है कि मंडी में टमाटर की कोई कमी है, टमाटर आज भी बड़ी मात्रा में है, लेकिन और सोलन सब्जी मंडी में 13 क्रेट कौन सा दीजिए टमाटर का। और टमाटर जो सोलन सब्जी मंडी में आया है यह 600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिक रहा था, शानदार क्वालिटी थी, तो यही कारण था कि महंगा इसका दाम था, लेकिन उसके बावजूद भी यह टमाटर मंडी में हाथों हाथ आज बिका है। इसके अलावा अन्य टमाटर की बात करें तो अन्य टमाटर भी बड़ी मात्रा में दूसरी जो वैरायटी है और यह जो वैरायटी थी यह 600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से आज सोलन सब्जी मंडी में बिका और हाथों हाथ कुछ ही देरी में टमाटर की सारी लगभग 13 क्रेट अब बची हुई है, बाकी सारी क्रेट बिक गई हैं। और आज टमाटर का रेट यदि हम मंडी में बात करें तो 500 से 600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से टमाटर सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। 500 से 600 रुपये क्रेट है, जो 600 रुपये क्रेट थी वो लोगों ने, जो खरीदार हैं उन्होंने बड़ी मात्रा में टमाटर खरीदा है और 500 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से भी टमाटर की सोलन सब्जी मंडी में काफ़ी सारी क्रेट बची हुई है। और मंडी में टमाटर के भाव में लगातार पिछले काफ़ी दिनों से तेजी देखने को मिली है। मटर सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा हुआ है, 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मटर मंडी में आज बिक रहा है। ये कौन सा बीज है अहमदाबाद वाला? वीरांग वैरायटी थी टमाटर की, जो 600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिका है। और अब आप तस्वीर सोलन सब्जी मंडी की देख रहे हैं, यह टमाटर भी आज मंडी में 500 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिक रहा है। जो वीरांग वैरायटी थी टमाटर की उसकी ज़बरदस्त डिमांड आज देखने को मिली, क्योंकि देखने में भी शानदार है, लाल टमाटर है और मजबूत टमाटर भी वो नज़र आता, मजबूत इसलिए इन द सेंस हम कह रहे हैं कि वो थोड़े दिन ज़्यादा टिक जाता है और यही वजह है कि उस टमाटर की डिमांड थी तो हाथों हाथ बिक गया और 600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से उसका रेट था, क्योंकि डिमांड अधिक थी तो रेट में भी तेज़ी देखने को मिली और 600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से टमाटर वो सोलन सब्जी मंडी में बिका है। 500 रुपये भी टमाटर का रेट है, तो 500 से 600 रुपये आज टमाटर का सोलन सब्जी मंडी में रेट रहा है। और सोलन सब्जी मंडी में पहाड़ी गोभी बड़ी मात्रा में पहुंची हुई है, पहाड़ी गोभी आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं सोलन सब्जी मंडी में, और पहाड़ी गोभी के भाव में इस वक्त तेजी ही कहेंगे, 18 से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में गोभी बिक रही है, जबकि टमाटर का रेट 500 से 600 रुपये प्रति क्रेट इस वक्त चला हुआ है। वीरांग 600 रुपये है और बाकी जो ये वैरायटी आप देख रहे हैं ये 500 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से बिक रही है। लाल टमाटर है और टमाटर में कोई छोटी नहीं है, बढ़िया क्वालिटी है। शोकी की गोभी आप तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर देख रहे हैं, 15 से 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से यह बिकी है। गाजर में तेजी है, 15 रुपये भी है तो 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भी बिक रही है, तो 15 से 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गाजर आज मंडी में बिक रही है, जबकि गोभी आज मंडी में गोभी का भाव मंडी में 18 से 20 है। मूली हमने बताई, मटर आज 45 रुपये प्रति किलो तक सोलन सब्जी मंडी में बिक रहा है और ब्रोकली है 30 रुपये और ब्रोकली 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रही है।
मटर लगातार मंडी में आ रहा है 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। अभी मटर सोलन सब्जी मंडी में बिका है, और इसके अलावा बंद गोभी है तो 14 से 15 रुपये, और शिमला मिर्च आज मंडी में 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रही, जबकि करेला 65 और बैंगन 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, कटहल 65 और नींबू 120 से 130, लहसुन 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, मशरूम 100 रुपये तक, 80 से 100 रुपये तक का मशरूम का रेट है, चुकंदर 20 रुपये है, और पालक मंडी में आज 15 रुपये प्रति गुच्छी, मेथी 15 रुपये और हरा धनिया 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। कद्दू 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में कद्दू बिक रहा है, जबकि घी 16 रुपये है, और खीरा 20 भी है तो 30 भी है, फ्रांस बीन 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में, और हरी मिर्च आज मंडी में 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, जुगनी 20 रुपये है, और पालक हम आपको बता रहे हैं कि पालक का रेट 15 से 15 रुपये तक है, और हरा धनिया 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। तो सोलन सब्जी मंडी में लहसुन 130 रुपये है। चंद्र लाल शर्मा जी, गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए, रवि सैनी नंगल जी और राजेश शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सोलन सब्जी मंडी के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी मात्रा में सब्जियों की आपूर्ति सोलन सब्जी मंडी में हो रही है। टमाटर अहमदाबाद का सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है, टमाटर वीरांग भी पहुंचा हुआ जो 600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिका, उसकी क्वालिटी शानदार थी, यही वजह रही कि वो महंगे दामों पर भी हाथों हाथ सोलन सब्जी मंडी में आज बिक गया और 600 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से। और जो आप इस वक्त टमाटर देख रहे हैं यह 500 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त बिक रहा है। तस्वीरें आप सोलन सब्जी मंडी की देख सकते हैं कि सब्जियों में किस तरह की तेज़ी है, सब्जियों में उतार चढ़ाव आज बड़ी मात्रा में देखने को मिला है, और सोलन सब्जी मंडी के गाजर में भी अब तेज़ी है, 18 से 28 रुपए के बीच में रेट है, बीन 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मंडी में आज बिक रही है, और फ्रांस बीन बाहरी राज्यों से सोलन सब्जी मंडी में पहुंच रही है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन सब्जी मंडी से हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की हम आपको दिखा रहे हैं। मंडी में सब्जियों के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, किसी के भाव बड़े हैं तो किसी के कम भी हुए हैं, लेकिन सब्जियों में हम कुल मिलाकर कह सकते हैं तेज़ी है। लोकल सब्जियाँ भी किसानों को लाभ का सौदा साबित हो रही है, और अच्छी बात भी, किसानों को पैसा मिलना भी चाहिए। सुबह सुबह के वक्त किसान मंडियों में सब्जियां लेकर पहुंचे हुए हैं, मूली लोकल आई है और हम 15 से 20 रुपए के बीच में सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। गाजर आज मंडी में 15 भी है, 28 भी है, टमाटर मंडी में 800-600 रुपए प्रति क्रेट भी है, वीरांग बीज किस्म है और वीरांग अच्छी क्वालिटी है, और यही वजह रही कि हाथों हाथ वो टमाटर मंडी में आज बिक गया। जैसे ही मंडी में पहुंचा वैसे ही बिकना शुरू हो गया, और थोड़ी देर में ही 200 से ऊपर टमाटर की क्रेट अभी तक बिक चुकी है, और केवल 13 क्रेट अब बची है। इसके अलावा एक वैरायटी टमाटर की 500 रुपये प्रति क्रेट के हिसाब से भी सोलन सब्जी मंडी में बिक रही है। मटर आज 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अभी बिक रहा है, बोनी अभी और लगनी है। करसोग का भी मटर आज सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा हुआ है, 3 या 4 रुपये फालतू करसोग के मटर को मिलेंगे जो भाव मंडी का रहेगा। गोभी की बात करें, फूल गोभी तो 18 से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिकी है, बंद गोभी आज 14 से 15 रुपए के बीच में है, मूली 15 से 20 रुपए के बीच में मंडी में आज बिकी है। इसके अलावा गाजर है तो 15 भी है, 28 भी है, ब्रोकली 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में, करेला 65 है, शिमला मिर्च 60 है, भिंडी 60 है और बैंगन 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में बिक रहे हैं। हरी मिर्च में तेज़ी है, 70-80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में बिक रहे हैं। मटर आज 45 बिका है, अभी बोली और लगनी है क्योंकि मटर बड़ी मात्रा में सोलन सब्जी मंडी में आ रहा है। जो सब मटर यहाँ पर पहुँचा हुआ था उसे सवेरे जो यहाँ पर आया था वो 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिका है। इसके अलावा यदि हम बात करें नींबू की तो नींबू 130 रुपये है, और कटहल 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंडी में आज बिक रहा है। कद्दू 25 रुपये है, घिया 16 रुपये है और जुगनी मंडी में आज 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और खीरा 20 से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सोलन सब्जी मंडी में आज बिक रहा है। अदरक में तेज़ी है, 150 रुपये तक अदरक पहुंच गया है। मटर पर आज मंडी में 45 रुपये है, और मशरूम 80 से 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, हरा धनिया 10 रुपये और मेथी 15 रुपये, और मेथी के अलावा
पुदीना मंडी में आया 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है और पालक 15 रुपये के हिसाब से 16 सब्जी मंडी में आज ही बिक रहा है, चुकंदर 80 रुपये है। तो पंजाब किसी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहे पंजाब किसी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।